हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस कोर्स। सो आज हम एक दूसरी मेडिसिन के बारे में देखने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में रहेगी। ये जो एक मेडिसिन है वो अगेन आपको शॉर्ट नोट में ही पूछी जाती है, लेकिन ये जो मटीरिया मेडिका का लेक्चर, मटीरिया मेडिका का जो पेपर होता है उसके अंदर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो थेरापेटिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, खास करके गायनिक के जो थेरापेटिक्स है, बिकॉज कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि इसका जो पर्टिकुलर है वो मेनली ऑन द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, फीमेल ऑर्गन्स, फीमेल सिम्टम्स इसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि ये आपको थेरापेटिक्स में पूछा जाए, या फिर तो आपको जो वाइवा वगैरह है उसके अंदर इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो मटीरिया मेडिका है उसके रिलेशन के अंदर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत मतलब कि हार्ड पेपर निकाला जाता है तो ये होती है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। इसका कॉमन नेम है स्लो ब्रेड, ठीक है। उसके अलावा इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हेनेमैन, एंड फैमिली है प्रिमिलेसी, एंड जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है शॉर्ट एक्टिंग। उसके अलावा फिजिकल मेकअप में देखोगे तो ब्लॉन्ड, पेल, एनीमिक वुमन। इसका मतलब क्या है कि ऐसी वुमन जो कि फेयर है, बट कैसी फेयर है, पेलनेस है उसके अंदर, ठीक है। जैसे हम कई बार देखते हैं कि जो फेयर पर्सन्स होते हैं, ठीक है, तो फेयरनेस विथ दिस रेडनेस, ठीक है, तो उसको हम ज़्यादा मोर लाइकली कि जो फेयर हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन इन इंडिया जो आधे फेयर लोग हैं उनके अंदर आपको पेलनेस देखने को मिलती है। उसका मतलब क्या है कि उनको उनके जो चीक्स के ऊपर, उनके जो लिप्स के ऊपर जो रेडनेस होनी चाहिए, विच इज़ अ कॉमन थिंग, ठीक है, तो वो नहीं होती है, ठीक है। उसका सीधा मतलब ये है कि उनके अंदर ब्लड की कमी है, HB की कमी है, विच ऑफ कोर्स मीन्स कि उनको एनीमिया है, ठीक है। तो ऐसी खास करके वुमन, अब उसका ऐसा इसका फिजिकल मेकअप है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परामेंट है इसका ल्यूकोफ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, एंड मायजम है सौरा प्लस साइकोसिस, ठीक है। तब यहाँ पर तुम समझ सकते हो देर इज़ अ डिसफंक्शन एंड ऑल्सो देर इज़ अ ओवर ग्रोथ, ठीक है। इसके अलावा थर्मल है इसका चिली, शीट ऑफ एक्शन है सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम, सेंसोरियम आई, ओके। सो पहले हम बात कर लेते हैं सेंसोरियम के बारे में, ठीक है। तो सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम सबको पता है। उसके अलावा जो सेंसोरियम है, विच मीन्स कि जो आपकी सोचने की मेमोरी या फिर तो तुम्हारा परसेप्शन जो है, वो जो सारी क्षमता होती है आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है, विच इज़ अ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। एक उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको मिलता है इन एनाटॉमी, विच इज़ अ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो ये जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर आपका मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, आपकी जो पुरानी से पुरानी यादें हैं, ठीक है, उसके अलावा जो आपकी पर्सनालिटी है, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको कि आप ज़्यादा साइकोलॉजी के अंदर देखते हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको सेंसोरियम में मिलती हैं। जैसे हम बोलते ना कि किसी को पागलपन हो गया है, राइट, ये तो पागल है, सो उसके अंदर वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो ड्यू टू डिसफंक्शन ऑफ द सेंसोरियम होती है। तो ये जो सेंसोरियम आपको साइक्लोमेन में भी दिखेगा, शीट ऑफ एक्शन इज अ शीट ऑफ एक्शन। उसके अलावा जो हमारी दूसरी मेडिसिन है विच इज़ अ स्ट्रेमोनियम, ठीक है, तो स्ट्रेमोनियम में भी सेम चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। इन दोनों का मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन है सेंसोरियम के ऊपर। उसके अलावा आई एंड GIT एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में बात करेंगे, सो देयर इज अ सप्रेस ग्रेट या फिर तो सप्रेस्ड ग्रीफ, ठीक है। उसके अलावा निग्लेक्टेड ऑफ ड्यूटी एंड कमीशन ऑफ द बैड एक्ट, सप्रेशन ऑफ द मेंसेस, फैट्स, पोर्क एंड कॉफ़ी, एंड ओवर हीटिंग एंड ओवर एग्जॉशन। हियर द ओवर हीटिंग एंड ओवर एग्जॉशन इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स कि इतना ज़्यादा ओवर हीटिंग नहीं हुआ है। जैसे आप देखोगे कि जब समर चालू होते हैं, ठीक है, तो तब बहुत लोगों को क्या होता है कि उनको कवरिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो उस वक्त भी अगर पेशेंट ने कवरिंग लिया है तो वो थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, बॉडी के ऊपर,
स्टिल उसकी वजह से पेशेंट को फीमेल सिम्टम्स आते हैं. तो ये एक मतलब कि डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है फॉर द साइक्लोमेन. ठीक है, ऐसे जो ओवर एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर हीटिंग पर्टिकुलरली फॉर द फीमेल सिम्टम्स, ये चीज़ आपको दूसरी मेडिसिन में नहीं मिलेगी. ठीक है, उसके साथ पर्टिकुलर की बात करेंगे फीमेल सिम्टम्स, मेंसेस कैसे हैं ड्यू टू द ओवर एग्जर्शन एंड बीइंग ओवर हीटेड, टाइम इज़ टू अर्ली. इसका मतलब क्या है कि जो साइकिल है हमारी, ठीक है, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली 28 टू 30 टू 31 डेज की होती है इन इंडिया. ठीक है, आइडियली अगर तुम बुक्स में देखने जाओगे तो 28 डेज आपको मिलेंगी, बट इन इंडिया इन द क्लिनिकल बेसिस यू कैन कंसीडर द 30 एंड 31 ऑल्सो. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल साइकिल का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा है टू अर्ली, टाइम इज़ टू अर्ली, दैट मीन्स कि पेशेंट को मेंसेस उसके डेट से पहले आ जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कम ड्यूरेशन की हो जाएगी. ठीक है, ड्यूरेशन इज़ प्रोलोंगनेटेड, दैट मीन्स यहाँ पर किस ड्यूरेशन की बात की गई है, जो एक्चुअल मेंसेस जिसको हम बोलते हैं जो 5 दिन का ब्लीडिंग होता है वो प्रोलोंगनेटेड हो जाती है, वो 5 से 7 दिन 8 दिन 15 दिन तक रहता है ब्लीडिंग. ठीक है, उसके अलावा क्वांटिटी इज प्रोफ्यूज, द कैरेक्टर ऑफ ब्लड इज ब्लैक मेम्ब्रेनस क्लॉटेड एंड फ्लॉलेस व्हेन मूविंग अबाउट. ठीक है, दैट मींस कि पेशेंट जब भी मूव करेगा, दैट मींस कि वो चलेगा बैठेगा या फिर तो कोई भी मूवमेंट वो करने जाएगा तो वहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो जाएगा, विच इज अ फ्लोलेस. ठीक है, नॉट दैट फ्लोलेस जो हम वुमेंस को कहते हैं शी इज फ्लोलेस, ठीक है, वो वाला फ्लोलेस नहीं है यहाँ पर. फ्लोलेस दैट मीन्स कि वहाँ पर मेंसेस नहीं आएंगे. उसके अलावा जो ब्लैक मेम्ब्रेनस है एंड क्लॉटेड टाइप का ब्लड है, साथ ही में इसके कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग मेंसेस एंड आफ्टर मेंसेस क्या रहता है. सो ड्यूरिंग मेंसेस लेबर लाइक पेन फ्रॉम द बैक टू प्यूबिस. ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला सिम्टम है कि पेशेंट को लेबर लाइक पेन होता है बैक से लेकर प्यूबिस तक, एंड द मेंटल सिम्टम्स आर बेटर ड्यूरिंग मेंसेस. ठीक है, उसके अलावा आफ्टर मेंसेस स्वेलिंग ऑफ द ब्रेस्ट विथ मिल्क सिक्रीशन. ठीक है, जो ऑफकोर्स नर्सिंग वुमन्स नहीं हैं जिनकी की प्रेगनेंसी अभी तक नहीं हुई है, स्टिल उनके अंदर दैट मीन्स कि जो प्यूबर्टी वाली टीनेज वाली जो गर्ल्स हैं उनके अंदर भी जो ब्रेस्ट है वो स्वेलन हो जाता है एंड मिल्क सिक्रीशन होता है. यूजुअली बिफोर मेंसेस हर एक लेडी का जो ब्रेस्ट है उसके अंदर स्वेलिंग तो नहीं, लेकिन ब्रेस्ट जो हैं वो भारी भारी हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज कि हमारी बॉडी तैयार होती है फॉर कंसीविंग. ठीक है, तो उसकी वजह से अगर बिफोर मेंसेस चीज़ है ये, बट स्टिल मिल्क सिक्रीशन नहीं होना चाहिए. अगर स्वेलिंग है, भारीपन है ब्रेस्ट के अंदर, सो इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल. आफ्टर मेंसेस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है, दिस इज़ एबनॉर्मलिटी. उसके अलावा मोडालिटीज़ हैं एग्रावेशन सिटिंग लेइंग एट नाइट. ठीक है, एंड एमिलियोरेशन बाय वॉकिंग, बिकॉज की मूवमेंट है यहाँ पर. ठीक है, मूवमेंट करेगा पेशेंट तो जो है कि फ्लो नहीं निकलेगा. रिलेशनशिप की बात करेंगे एंटीडोट विद द कैम्फोर कॉफिया एंड पल्सेटिला एंड कंपेयर विद चाइना एंड फेरम एंड पल्सेटिला. ठीक है, तो ये थी हमारी मेडिसिन साइक्लोमेन. होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.